ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਨੇ ਕੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਛੱਡਿਆ ਭਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਭਾਈ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਰੁਕ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਚੱਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਬੈਗ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾਉਂ ਮੈਂ ਔਰ ਅਭੀ ਜਾ ਕੇ ਰੈਲੀ ਮੈਂ ਸਾਥ ਸਾਥ ਹੂੰ ਔਰ ਫਿਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹਾਂ ਬਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆ ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਤ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ मतलब दो महीने हो गए इनको अब तो करना चाहिए यार सरकार को भी मतलब ये क्या लाठी चार्ज कहीं बैरिकेड सब हटा के ये आ तो रहे कोई फायदा तो है नहीं उसका लगाया हुआ तो समझना चाहिए इनकी बात ये देख लो तिरंगा ही लहरा रहा है भाई किसान की रैली में ना सबसे ज्यादा तिरंगे दिखाई दे रहे थे ਲਾ ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬਿੰਦੇ ਬਿੰਦੇ ਰੋਕ ਰਹੀ ਆ ਆਪਦਾ ਧਰ ਕੇ ਸੱਚ ਪੈੜਾ ਜਾ ਤੇ ਹਮ ਲੋਕੋ ਦੀ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰੁਕਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਿੰਦੇ ਬਿੰਦੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਫਿਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋੜਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਰੋੜਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਬਿੰਦੇ ਬਿੰਦੇ ਕਾਫਲਾ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਅੱਛਾ ਬਰੇੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਆ जाना सी इस बात इतना लंबा सफर खींचे हम हमने तो ये एक बात तो नहीं मोदी के लिए बहुत बड़ा हुआ है ये इतिहास में एक फायदा बढ़ गया एक इतिहास रच दिया कितना टाइम हो गया आपको यहाँ दो महीने हो गए यहाँ पर और अब टिकरी बॉर्डर से 9 बजे चले थे कि देखो भी हम कुछ नहीं हाँ मोदी को मार के ले जाए मोदी ना कहाँ है भाई चल
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਧੂਏ ਵਾਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਛੱਡਿਆ एक तो कल रात की नींद, ऊपर से इतना पैदल चले हैं। मैं चलाऊं 24 किलोमीटर। ओ भैया आप कितनी दूर से पैदल चल के आ रहे हो? यहाँ 8 किलोमीटर दूर है। टिकरी तो हो गया पूरा? टिकरी बॉर्डर तो दूर है। 80 किलोमीटर? 80 किलोमीटर। फिर भी अभी तक लाल किला तो पहुँचे ही नहीं हम। 24 किलोमीटर मैं चल लिया, पैर में लग रहे हैं छाले हो गए। पहुँच के वापस जाते देखते हैं ऑटो पे जाएंगे। गुड़ी का प्रबंध कोई करे मोदी? मोदी ने सादा लिया बुला लिया, अरे जाने वास्ते का प्रबंध भी करे ना मोदी, फिर ठीक रहेगा। एक तो रात वाली थकान, ऊपर से ये थकान। फिर देखते हो रात को निकलूंगा जयपुर के लिए। दिखाते हैं अभी आगे, माहौल बहुत खतरनाक बना हुआ है। जो बहुत खतरनाक है जी। सोचा तो अमृतसर जाने का था, बट सही रहा, मैं दिल्ली आ गया और दिल्ली कुछ भैया मिल गए मेरे को। बस यहाँ बैठे इंजॉय कर रहे हैं, अभी मैं रेस्ट कर रहा हूँ। मैं थका हूँ भाई, 24 किलोमीटर पैदल और पीछे बैग, आम सी बात है, थकूँगा यार। ये किसानों का झंडा जो लहरा चुका है तिरंगे के साथ।
मेरा रुकने का प्लान था बट अब नहीं है क्योंकि यार बॉडी का एकदम पेन कर रही है पूरी। तो अभी जा रहा हूँ मैं यहाँ से, तो रवाना हो रहा हूँ 6:05 हो गए। तो यहाँ का माहौल है वो पीछे दिखा देता हूँ मैं अभी, बहुत देखो पीछे अभी बहुत मतलब रौनक लगी हुई है और ये पूरी रात तक रहेगी, अभी तक ऐसे चल ही रहा है। तो बॉडी एकदम खलास, गेम ओवर। तो अभी मैं तो ट्रेन देख रहा था, ट्रेन कितने बजे यहाँ से जयपुर की, जयपुर जा रहा हूँ अभी मैं, था मेरा टिकरी बॉर्डर पे जाने का बट कैंसिल, चलते हैं यहाँ से। सो गाइस मिलते हैं अपन, ओके जयपुर ही, एंड बाय बाय, टेक केयर।